सत श्री अकाल दोस्तों, आज का वीडियो खास है क्योंकि मैं आज, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हारमोनियम लिखा हुआ है, यही पैच बनाने का थोड़ा सा ज्ञान देना चाहता हूँ। हर कीबोर्ड प्लेयर चाहता है कि ये पैच उसके कीबोर्ड में हो और थोड़ा सा बढ़िया हो। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये प्रीसेट टोन का ही कॉम्बिनेशन मैंने तैयार किया है, कोई भी सैंपल नहीं लिया है। तो शुरुआत करते हैं जी, टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले आपने कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट सेव हो उसी के ऊपर आप इसको सेटिंग कीजिए, क्योंकि आपके कॉर्ड चेंज नहीं होंगे। अगर आपने परफॉर्म एडिट में जाके पहले कोई बैंक सेव किया हुआ है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सेव किया हुआ है, तो आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि बैलेंस रहेगा आपका, सभी टोन्स का बैलेंस रहेगा। कोशिश यही कीजिए जो इंस्ट्रूमेंट पहले बना हुआ है उसी में परफॉर्म एडिट में जाके, तो उसी के ऊपर दूसरे इंस्ट्रूमेंट को आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई करिए, क्योंकि मॉडिफाई तो आपने पैच एडिट में करना है। तो परफॉर्म एडिट में तो आपने सिर्फ उसको सिलेक्ट करना है और थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस और कर सकते हो आप। तो उसी तरह मैंने ये चूज़ किया हुआ है। तो प्रीसेट टोन में आप देख सकते हो 1081 पार्ट वन में है, तो पार्ट टू में मैंने रखा हुआ है 1047, ये एसी मास्टर है। तो पार्ट थ्री में रखा हुआ है जी मैंने 1085, ये एसीडी पेरिस है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कौन से इंस्ट्रूमेंट में ये हारमोनियम निकल के बना हुआ है। तो थोड़े वैसे तो ये तीन पार्ट्स के, तीन पैचेस जो प्रीसेट के हैं उसी के साथ ये बन गया था, लेकिन थोड़ी बहुत और मैंने इसमें ऐड करने की कोशिश की है, थोड़ा इसको ब्यूटीफाई करने का कोशिश किया है। तो मैं चाहूँगा आप अभी से ही इन और इंस्ट्रूमेंट्स को भी सिलेक्ट कर लो प्रीसेट टोन में, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है 0157, ये कैथेड्रल कोई इस नाम का इंस्ट्रूमेंट है। तो प्रीसेट टोन में 1082 हारमोनियम 3 है। तो एक और इंस्ट्रूमेंट जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वो मैंने ऐड कर दिया इसमें, प्रीसेट टोन का ही 1122 प्रीफैब चीमे है, वो कुछ CHIME इस नाम से है। तो ये आप 6 इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। तो वन बाय वन मैं आपको बता रहा हूँ इसकी सेटिंग्स क्या होंगी। इसका जो लेवल रखा है जी मैंने सभी का 90 रख दिया है, जितने भी आपको मैंने इंस्ट्रूमेंट बताए हैं पार्ट 6 तक। 6 का थोड़ा कम कर दिया है, इसको 80 पे रख दिया है। तो एक चीज़ का ध्यान दें, जहाँ पे मैंने अभी ये कर्सर हाईलाइट किया है कि RX चैनल होते हैं ना, जो इसको आपने वही सीरीज देनी है जैसे 1 2 3 4 5। अगर आपने इसको जैसे 1 को 1 और कर दिया है तो इंस्ट्रूमेंट का जो टोन है वो ख़त्म हो जाएगा, सेकेंड वाले का, सेकेंड इंस्ट्रूमेंट उसका टोन ख़त्म हो जाएगा, वो सिर्फ जो सिलेक्ट वन है पार्ट वन वही बजेगा। इस वजह से आपको ये सीरीज कंप्लीट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, इट्स ओके। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स को मैंने म्यूट इसलिए रखा हुआ है क्योंकि पहले तीन टोन को मिलाकर ही हारमोनियम बन गया था, ये ब्यूटीफाई करने के लिए है। अगर आप चाहते हो इनको ऐड करना तो वन बाय वन यूजर टोन में इसको किसी और नेम से हारमोनियम 1 2 3 करके आप सेव कर सकते हो। आप अपने हिसाब से 3 हारमोनियम बना लो, 4 बना लो, वो आपकी मर्जी है। तो MFX का जो मेन काम है जी, अब हम MFX में आ गए हैं। MFX 1 सेलेक्ट करवा दीजिए, तो पहले में भी 1 है, दूसरे में भी 1 है। तो इसका जो आउटपुट लेवल है वो आप देख सकते हो 115 है, फिर 110 110। तो पार्ट थ्री में MFX 2 है, तो 6 तक 2 रखा हुआ है मैंने। तो इनका जो आउटपुट लेवल है वो भी मैंने 100 100 100, तो 3 का 110, 2 का 110 और सबसे ऊपर वाले का जो पार्ट वन में है 115 रखा हुआ है। कोर 70 रखा है, सेकंड का 127 रखा है, तो थर्ड का भी 127 रखा है, फोर्थ का 90, फिफ्थ का भी 90 है और सिक्स का भी 90 है। तो शुरुआत करते हैं फिर सिक्स के रिवर्ब से। सिक्स पार्ट का भी 70 रखा है, फाइव का भी और फोर का 42 रख दिया है, तो थ्री का 90 रखा है,
टू का भी 90 और वन का भी 90। आगे आते हैं जी, फाइन को माइनस 8 कर दीजिए, मोनो कर दीजिए। तो पहले तीन पार्ट को आपने सेम ही रखना है, माइनस 8 मोनो, तो 6 तक आपने मोनो कर देना है। मोनो में ऐसा है जी, थोड़ा फिंगर्स का जो है ना फ्लो बन जाता है, तो फेजर टाइप हो जाता है, हारमोनियम फेजर जो फास्ट बजाते हैं जो लोग, उनको पता होगा फेजर क्या मतलब होता है इसका। ये हमारे पंजाबी में या हिंदी में बोलते हैं फरफराहट, थोड़ा उस टाइप का हारमोनियम बनाया ये। अगर आप कॉर्ड बनाना चाहते हो कॉर्ड वाला, तो एक या दो पैचेस को आप, ठीक है, किसी एक या दो पार्ट या टू को, वन को या टू को, थ्री को, जो आपको हारमोनियम थोड़ा सा ठीक लगता है, इसका कॉर्ड अच्छा बजेगा, उसको आप मोनो के बजाय पॉलीफोनिक कर दीजिए या पार्ट कर दीजिए पैच, ठीक है जी। तो वो फिर कॉर्ड भी बजने लगेगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए। मतलब एक बार आप इसको मोनो में करके बना लो, उसको सेव कर लो, दूसरा आपको जो चाहिए कॉर्ड वाला चाहिए उसको भी आप कॉर्ड वाला बना लो, तो उसको अलग से सेव कर लो। तो यहाँ तक ही सेटिंग मोनो ही रखी गई है। तो आगे मैंने कॉर्ड असाइन किए हुए हैं, मैं आपको बताता रहता हूँ, G3 से लेकर G9 तक मैंने ये सेटिंग पैच पार्ट 6 तक रखी हुई है। तो मेन जो अभी आ रहा है, सॉरी, वी सेंस, पार्ट 1 का वी सेंस +1 +4 कर दीजिए, पार्ट 2 का +13, पार्ट 3 का +11। आई थिंक बाकी मैंने किसी का नहीं चेंज किया है। तो ऑक्टेव ये नहीं, आपने इसको 0 ही रख दीजिए। तो 3 से शुरू होता है जी, इसको -1 रखिए, 3 से लेके 4, 5, 6 का आपको -2 रखना पड़ेगा, वो भी मैं बताऊंगा क्यों रखना पड़ेगा। तो फिर शुरू से कट ऑफ में आ जाते हैं जी, इसको +15 कर दीजिए, तो पार्ट 2 को -42 कर दीजिए, तो पार्ट 3 को +10 कर दीजिए। बाकी आई थिंक नहीं, बाकी नहीं मैंने कुछ चेंज किया है। तो रेसोनेंस को आप -20, पार्ट 2 को +12, पार्ट 3 को -64 कर दीजिए। तो नीचे 6 में कुछ नहीं है जी। इसी तरह अटैक को -20 कर दीजिए, पार्ट 2 को -20, पार्ट 3 को -40, पार्ट 4 को +2 और 5 को +1 और 6 को +6 कर दीजिए। ऐसा ही डीके का है, डीके को +30 कर दीजिए पहले दो पार्ट्स में, तीसरे में आपने करना है +20। बाकी नहीं चेंजेस की गई है। पार्ट 1 का रेट +2 कर दीजिए जी, डेप्थ 0, डिले +20। तो सेकंड पार्ट में आपने +4 डेप्थ कर देना है, थर्ड में भी आपने +1 कर देना है, तो डिले आपने 15 कर देना है। तो ये तो जी आपका परफॉर्म एडिट का काम अभी ख़त्म हो गया है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ पैच एडिट में। आप ऐसा कीजिए, पार्ट 1 में आ जाइए, इसके बाद एग्ज़िट कीजिए, फिर पैच एडिट में आ जाइए। तो मैं आपको इंडिविजुअली हर पैच का बता रहा हूँ, इसकी सेटिंग्स क्या होंगी। पैच लेवल जो होगा 105 होगा, तो और कहीं आपने कोई चेंज नहीं करना है। तो मोनो पॉलीफोनिक में आप मोनो कर दीजिए, लगैटो स्विच ऑफ, लगैटो री ट्रिगर ऑन करना है आपने, बाकी नहीं आपने कुछ चेंजेस करनी है जी। ये ऑफ है, ऑटोमेटो स्विच ऑफ किया गया है। तो पार्ट 2 में आ जाइए, पार्ट 2 में आपको पैच लेवल आपने 80 रखना है जी। पैच प्रायोरिटी आप देख सकते हो, लास्ट है इसको नहीं अब हमने चेंज किया है, बाकी सभी सेटिंग्स वैसी ही हैं। तो मोनो पॉलीफोनिक में आपने मोनो कर देना है, लगैटो ट्रिगर को आपने ऑन कर देना है, तो और भी कोई चेंजेस नहीं है। फिर आपने पैच 3 में आ जाना है, इसको पैच एडिट में जाके आपने देखना है, इसका जो पैच लेवल रखा गया जी 120 रखा गया। तो ऑक्टेव इसका प्रीसेट टोन में, मतलब कंपनी मेट की तरफ से ही +1 था, इसको मैंने बिल्कुल नहीं चेंज किया है। तो
एनालॉग फील इसका 8 है, इसको भी मोनो कर दिया गया है और लिगेटो री ट्रिगर इसको ऑन कर दिया गया है। ठीक है जी, तो आप समझ गए होंगे ये सेटिंग्स, आप अपने जो आपके सुनने की क्षमता है या आपके कान है उसके हिसाब से हमने ये थोड़ा बहुत इसको चेंजेस किया है। तो पहले 3 पैचेस का मैंने आपको बताया, तो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को भी बताऊंगा फ्रेंड्स, लेकिन ये जो हारमोनियम तैयार हुआ वो पहले 3 पार्ट के पार्ट को एडिट करने से ही हो गया था। तो बाकी इसको ब्यूटीफाई करने के लिए थोड़ा बहुत मैंने फंक्शंस और ऐड किए हैं। तो अभी हम MFX में आ जाएंगे, आप देखोगे मैंने 4, 5, 6 को म्यूट कर दिया है क्योंकि इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा इसको ब्यूटीफाई कैसे करना है। तो इफेक्ट एडिट में आ जाइए जी आप, शुरू से हम MFX एनालॉग डिले में मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं जी, ये वैसे ही है +20 जैसे बोर्ड ने हमको शो किया है। यहाँ पे मैंने चेंज किया है जी बैलेंस में, क्योंकि अगर मैं 50-50 रखता हूँ तो डिले का इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था, तो हारमोनियम बजाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको अगर आप ज़्यादा डिले रखोगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें ज़्यादा डिले वगैरह डालोगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा स्टेज के ऊपर। थोड़ा सा इसको जो इसका नेचुरल फील है उसी में ठीक रहेगा ये। तो मैंने इसको D65+35W कर दिया है, तो लेवल भी इसका थोड़ा सा मैंने कम किया है, 120 कर दिया है। अदरवाइज़ आपको कानों को थोड़ा सा हिट करता तो 120 ही आउटपुट लेवल किया है। कोर्स 40 कर दिया है, रिवर्ब इसका 50 कर दिया है MFX1 का। तो MFX2 में हमने स्पेक्ट्रम यूज़ किया है जी आज, तो थोड़ा सा टोन मेरे को पंच वाला चाहिए था जिस वजह से। तो स्पेक्ट्रम में अगर जब भी आप सेटिंग करोगे तो ये सेटिंग अपने आप ही कीबोर्ड की तरफ से तो बन जाती है। तो वैसे मैं आपको नोट करवा देता हूँ, बैंड 1 में +6 है ये, तो उसके बाद कोई चेंजेस नहीं है। तो बैंड 7 में ये +12 रखा गया, तो मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, लेवल 127 है लेकिन आउटपुट लेवल है मैंने 120 कर दिया है। तो रिवर्ब इसमें सेंड नहीं किया है, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो ये MFX3 मेरे अपने लेफ्ट हैंड कॉर्ड के लिए है जिसकी सेटिंग +8 मैंने लो गेन नहीं किया हुआ है, तो 127, तो रिवर्ब 50 है। अगर आप कर रहे हो तो आप चेक कर लेना। कोर्स फिल्टर टाइप मैंने ऑफ रखा हुआ है जी, तो ये पीछे से ही जो मतलब जब हम सेलेक्ट करते हैं जो सेटिंग्स आती हैं वही हैं, मैंने इसको कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो इसमें भी रिवर्ब में भी रिवर्ब ही है, स्टेज 2 रख दिया है इसको, टाइम 84 रख दिया है, डिले फीडबैक 15 है, रिवर्ब लेवल 80 आ रहा है। आप इसको नोट कर लीजिएगा या वीडियो देखकर ही एडिट कीजिए। तो ये सेटिंग एक एक सेटिंग का जो मैंने पैरामीटर सेट किया है वो बहुत ही बारीकी से किया गया है ताकि हारमोनियम बढ़िया बन सके। तो अभी हम वापस आ जाते हैं जी परफॉर्म एडिट में, थोड़ा सा मैं आपको बजा के दिखा देता हूँ ये कैसा बज रहा है। फ्रेंड ये इस तरह का बन चुका है, तो फिलहाल आप इसको सेव कर सकते हो। अब मैं आपको सेव करवा देता हूँ, ये आप देखोगे। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अगर आपको वही मैसेज बार बार आता है ना, भी जो मैंने कल बताया था आपको, डायरेक्ट आप कभी परफॉर्म राइट कर रहे हो तो एक पैच डिस्कार्ड का मैसेज आता है, तो आप उसको कैसे चेक करेंगे ये मैं आपको बता दूँ। जब भी आप पार्ट में जाओगे, जैसे ये हारमोनियम के आगे स्टार का साइन बना हुआ है, ठीक है,
ये आप देखिए, यहाँ स्टार का साइन बना है, मेरी फिंगर जा रही है यहाँ पे। तो इट मींस ये सेटिंग्स यूज़र टोन में पहले आपको सेव करनी पड़ेगी। ऐसे ही पार्ट टू में दिखा रहा है ये ACC मास्टर, इसको भी आपको यूज़र टोन में कोई भी किसी भी नंबर जहाँ खाली हो आपका स्लॉट वहाँ पे सेव करना पड़ेगा। ऐसे ही ये पार्ट थ्री में शो कर रहा है, मतलब जो प्रीसेट टोन का हमने इसको कॉम्बिनेशन दिया है तो उसको आपको सेव करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये सेटिंग सेव नहीं रहेंगी आपकी, ये डिस्कार्ड हो जाएंगी। तो पहले हम पार्ट वन को कर लेते हैं जी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इस नंबर इस नेम का पहले भी सेव हुआ हुआ है, तो मैं एक्स को कोई भी सिंबल दे देता हूँ जी, एक्स दे देता हूँ। इस पे सेव कर दिया, पार्ट टू को फ्रेंड ज़्यादा बेटर रहेगा आप जिस नेम का ओरिजिनल पैच है प्रीसेट टोन का उसी नेम से आप सेव कीजिए, ताकि आपको अगर आपके बाय चांस कई बार ऐसा होता है आपके कीबोर्ड की यूज़र या जो बैकअप है उसका आपको डिलीट हो जाता है बाय मिस्टेक, तो आपको याद रहेगा थोड़ा बहुत भी उस पैच से मैंने ये बनवाया था। या कभी कभार होता है आपका वो पैच भी आप बाय मिस्टेक उसके ऊपर रीराइट कर देते हो, कोई और सेव हो जाता है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहेगा भी मैंने उससे बनवाया था। और कोशिश ये करें जब आप कुछ भी एडिट करें तो उसकी एक वीडियो बना लें या उसके स्क्रीन शॉट वगैरह ले लें फ़ोन से, ताकि वो पैरामीटर्स आपको दोबारा देख के वो टोन सेम असेंबल हो जाए। तो अभी इसको फिर सेव करेंगे जी, अभी पार्ट थ्री। ये भी हो गया, तो अभी हमने परफॉर्मेंस राइट करना है जी, इसको नेम देना है कोई भी, तो इसको मैं दे रहा हूँ हार्मोनियम एक्स का नेम। ये जी फ्रेंड्स, आपका ये हारमोनियम तैयार है, आप इसको प्ले करने के लिए रेडी हो। एक तो हारमोनियम आपने ये सेव कर लिया, अभी जो बाकी के रह गए थे ये पहले तीन पार्ट में हारमोनियम बना है, तो अब इसको ब्यूटीफाई करने के लिए आपको क्या करना है जी, आपने फिर एडिट में जाना है, परफॉर्मेंस एडिट में चले जाना है। तो अभी आप देख रहे हो जो वन पार्ट फोर में 10157 है, इसको आपने ऑन कर देना है। इसका लेवल भी 90 रखा गया था MFX2 में, 100, 90, 42, और चेंजेस इसकी मोनो में रखा गया है इसको, तो इसका ऑक्टेव -1 किया गया है, अटैक +2 किया गया है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है जी इसमें। तो आप देखोगे इसको ऑन करने के बाद इसका साउंड का आउटपुट क्या आ रहा है हारमोनियम का। इसका सिंगल भी मैं आपको सुना देता हूँ, इसका सिंगल टोन क्या है, थोड़ा
थोड़ा सा इसको जो डेप्थ वाला हम बोलते हैं ना, वो बेस बन गया है इसमें। ये देखिए, ये एक्चुअली साउंड जो है वो ऑर्गन की तरह, रीड ऑर्गन की तरह थोड़ा सा बज रहा है। तो इसको जब हम ऐड कर देंगे तो हारमोनियम का बास लेवल हैवी हो जाएगा। ठीक है जी, अगर आप इसको सेव करना चाहते हो तो आप देख लो, आपकी मर्जी है। तो इसको सेव करने के बाद एक और तरह का हारमोनियम भी आपका बन जाएगा। इसको देखते हैं, ये डायरेक्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। यस, ये हो गया है, डायरेक्ट परफॉर्म में भी ये कर रहा है। इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो पहले वाले को हमने एक्स दिया था, इसको वाई दे देते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटी पर्पस के लिए। ये लो जी, एक हारमोनियम आपका ये सेव हो गया। अभी फिर हम एडिट में जाएंगे, परफॉर्मेंस एडिट में जाएंगे। तो यहाँ पे 1082 हारमोनियम 3 रखा गया है। तो इसको ऑन करने के बाद देखते हैं जी टोन किस तरह का बनता है। इसका लेवल 90 रखा गया है। MFX2 में इसको सेट किया गया है, 100 90 70 इसका सेटिंग है। तो इसको भी मोनो पे रखा गया है। तो इसका जो कीज़ का G3 G9 पर रखा गया है, इसको प्लस माइनस वन पे है ऑक्टेव। इसका प्लस वन इसका अटैक रखा गया है, बाकी कोई चेंजेस नहीं की गई है इसमें जी। मतलब इसमें मैंने पैच एडिट में जाके कोई भी चेंज नहीं किया है। तो 5 नंबर पार्ट में भी और 4 नंबर पार्ट में, इसी वजह से इसने डायरेक्ट परफॉर्मेंस परफॉर्म राइट कर दिया है, क्योंकि इसके पैच में मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। तो अभी देखते हैं जी इसका क्या रिस्पांस आता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है फेज़र, तो मैं ये 4 नंबर है उसको मूव कर देता हूँ। इसका लेवल कम कर दीजिए आप, अगर ये डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा सा अटैकिंग है ये, इसका लेवल कम कर दो आप। अभी ये ठीक है। तो इसको भी आप डायरेक्ट परफॉर्मेंस राइट में जाके कोई भी आइडेंटिटी देके सेव कर दो। मैं इसको सेव नहीं करूँगा, बाद में देख लूँगा, इसको थोड़ा बहुत एडिट करूँगा, जो अगर कुछ और नया बना तो आपको ज़रूर बताऊँगा। तो 5 नंबर को भी मैं म्यूट कर देता हूँ जी। अभी लास्ट में आ गया जी ये, इसको आप ऑन ऑफ कर दीजिए। ये था प्रीफैब CHIME, एग्जैक्ट क्या बोलते हैं पता नहीं इसको भी। तो इसको मैंने 80 रखा गया था, MFX2 100 90 70 इसका सेटिंग था। मोनो पे इसको सेट किया है। तो G3 G9 पे इसको इसकी कीज़ की रेंज रखी गई है। -2 रखा गया है जी इसका ऑक्टेव, अटैक +6 रखा गया है, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं की गई हैं। इसकी एक्चुअल साउंड क्या है जी, मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा इसमें हारमोनिका का इफेक्ट आ रहा है और बेस भी साथ में चल रहा है, क्योंकि ऑक्टेव मैंने -2 किया ना। अभी देखते हैं जी इसको चला के, ये हारमोनियम में क्या ब्यूटीफाई करता। ये भी बढ़िया बन गया है जी। तो आप इसको भी डायरेक्ट परफॉर्म राइट में जाके कोई भी नेम दे दो इसको, और जेड दे दो जी। तो इसको भी आप सेव कर लो, मेरे को ये बढ़िया लगा इसलिए मैं आपको इंस्टेंट कर रहा हूँ सेव इसको। तो इस तरह आप जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट एडिट करते हैं जी, तो
उसके सिमिलर जो भी टोन्स होती हैं वो आपके कानों के ऊपर डिपेंड करता है, वो आप उसको जज कर लेते हैं जी ये ब्यूटीफाई कर देगा इस चीज़ को, तो वो आप ही के ऊपर निर्भर करता है जी। तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए पार्ट्स में पहले ही, तो जैसी आपकी इच्छा हो उसको वैसे राइट करते जाइए, ठीक है जी। फिलहाल फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपका हारमोनियम का टोन तैयार है आई थिंक, अभी तक ये वीडियो बहुत कम डले होंगे, या मेरे ख्याल से मैंने बहुत कम देखा है यूट्यूब, मैं भी सर्च करता रहता हूँ, हारमोनियम का वीडियो बहुत कम डाला है किसी ने भी, अगर डाला है भी, इसको कैसे कीबोर्ड में कैसे इंसेम्बल किया जाए, तो मे बी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी होगी, तो मेरी ये कोशिश थी, तो आप इसको असेंबल कीजिए और बजाइए, मेरे को बताइए इसका रिजल्ट कैसा है, स्टेज के ऊपर बढ़िया बजता है या नहीं बजता है, तो इसको और भी मॉडिफाई करने की कोशिश जारी रहेगी अगर ये अच्छा ना ना रहा तो। थैंक यू सो मच।